कभी किसी के पास जाकर या किसी को दम डांटी नहीं देते, मगर हमारा अव्वल दिन से एक नारा है कि हमसे जो टकराएंगे हम उससे टकराएंगे। कोई ये समझता होगा कि मैं जेल से डर जाऊंगा, कि छावनी बन जाएगा पूरा एरिया तो डर जाऊंगा। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं कि जो जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उन सब नाइंसाफियों के साथ देंगे और मालेगांव इंसाफ यात्रा का आज रात में ही बैठ के तय करके ऐलान इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मालेगांव के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था, ऐसा लगता था कि वो होटल से नदी तक पूरा एक छावनी बनी हुई है। आम लोग बहुत से आकर चले गए, ये भी मुझे फोन भी किए, मगर मैंने भी उनको बोला कि जाओ, हम भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देना चाहते थे, ने किया। अगर कोई बोले ना कि शिवाजी महाराज स्मारक पर हम फूल हार नहीं कर सकते, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो जो नहीं मानने वाली बात थी हमने नहीं मानी, और हम हमेशा से नहीं मानते, ये कोई पहली बात नहीं है। मानने वाली बात 10 मानेंगे, मगर नहीं मानने वाली बात कोई जोर जबरदस्ती से धौस से और अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो इस शहर में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। माल आज ये इंकलाबी इंसाफ मानने वाला धरना, इसमें हमारे यहाँ शहर की तारीख जो नहीं है, जो तहरीर बचाने का काम करती है, उसको जिंदा रखा। और जो यहाँ सोच थी जुल्म और ज्यादा के खिलाफ आयाम उठाना, हजर आए साहब कहा करते थे कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, ये काम मुहारी वगैरह ने आज करके बता दिया। जहां यहाँ इंसाफी लगी उसके खिलाफ हमारे यहाँ शहर के मुहारी लोग खड़े रहेंगे। और शिवाजी पुतले के पास, शिवाजी महाराज के पास खड़ा रहना तो हक पहला हमारा है, इसलिए कि उसकी तालीम आजादी बिहार अगर साहब का निर्णय होता तो आप किसी दूसरे लीडर का न्याय नहीं होता। हमारा सपना भी हम देने के लिए मारे गए शहर में शादी बिहार हमें जरूरी है, तो उन्होंने किसको अपना नेता बनाया, एमपी बनाया हरियाणा जाधव, मुस्त बतानी ने हमारी सपना भी हम दी। उसके बाद हमने हमारे प्रेसिडेंट बने शाह, जब ओपन इलेक्शन होता था तो एमएलए का इलेक्शन ये होता था कि जिस तरह एमएलए के इलेक्शन में सब वोट देते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता पार्टी से नवन राय शाह जो जैन समाज के थे, चंद लोगों से जुड़े रही है सब लोग मनाने वाले शहर के लोगों का, तो उन्होंने जात पात को छोड़ के नवन राय शाह को छोड़ दिया। हमने पेशवर बनाया विठल काले थे, विठल काले इतने भारी बाजू थे, साथ ही यहाँ मैंने चाय रहते थे कि उनके घर से लेकर कैप्टन म्यूनिसिपैलिटी तक जितनी मंदिर रहती थी वहाँ सारी जगह वो माथा टेक के आते थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट बनाया साथ ही यहाँ मैंने साहब ने दीपक घोषले को प्रेसिडेंट बनाया साथ ही यहाँ मैंने साहब ने। आज ये समझ लो कि मैंने वो शहर का किले बन जाता जहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है, वहां से पत्थर पैकेट पवेलियन पैकेट में लेने को छून के लिए ये है हमारे सेपरेटिज्म। हमने जिंदा रखा है छूटाई को, छूना नहीं, पहले नहीं जिंदा रखा। मैंने वहां शहर के नाकारा ओहले और नाकारा मिलाएंगे के कारपोरेशन में रहते थे, आज एहतजाज का नाटक किया आसिफ साहब ने, मैंने भूल गया था कि सताना दवा खाने के
इंसाफ की आवाज, ये कई मायने में तारीख रकम करेंगे इस शहर में। आपने देखा होगा छावनी बन गया पूरा एरिया। ये सब्जेक्ट ही नहीं था जिस सब्जेक्ट की तरफ कुछ जातिवाद के लोगों ने उसको लेकर गया। हमारा सीधा सीधा डिमांड था के इंसाफ नदी के उस पार और नदी के इस पार बराबर से होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस शहर में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इनकी 25 साल जोड़ी ने इस शहर को बर्बाद कर दी। और 2004 में आउटर में जब मंत्री साहब आए, वो तो बस वो सोने का सुहागा हो गया इस शहर की बर्बादी के लिए। आप कहीं ऐसा देखे हो क्या कि शिवाजी महाराज स्मारक का उद्घाटन हो जाए
भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक का उद्घाटन हो जाए, ब्रिज का उद्घाटन हो जाए और काम मुकम्मल ही नहीं है, चलने फिरने की दुश्वारी है। ऐसा कहीं काम होता है? कभी नहीं होता। हमने ये भी देखा इस शहर में कि शिवाजी महाराज का स्मारक उस वक्त के सदर बल्दिया सब्बीर सेठ, उस वक्त के वजीर रोजगार निहाल अहमद साहब, इनकी शक्ति लगी हुई है, इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। और आज तो वो मालेगांव सेंट्रल में है शिवाजी महाराज का स्मारक, मालेगांव आउटर में नहीं है। और ये बनाने का क्रेडिट बनाने वाले निहाल साहब है, और ये आज हमको आकर सिखाते हैं शिव प्रेमी क्या, ये नकली शिव प्रेमी है, असली नहीं है। असली होते तो इस काम के भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलते कि 1.5 करोड़ में हो क्या रहा है, ब्रिज का काम कैसा हो रहा है। लेकिन बिला वजह बात को दूसरी तरफ ले जाना ये बात बराबर नहीं थी। यहां मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में गए वहां डॉक्टर चौहान मौजूद थे, उन्होंने साफ लफ्जों में बोला कि हमको नासिक सिविल सर्जन का टोंडी आदेश है कि जो गायनोकोलॉजी यूनिट और बच्चों का यूनिट, इसको जो है महिला रुग्णालय में शिफ्ट कर दिया जाए और स्टाफ को भी शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ उस एक हॉस्पिटल की नहीं है, हमारी लड़ाई ही सही मायनों में शुरू ये हुई थी कि जो महिला रुग्णालय इस हिस्से में पास था उसे उस हिस्से में क्यों ले जाया गया। उसके बाद सितम ये कि जो यूनिट वहां चल रहा था वो भी उस हिस्से में जाने की बात आई। मगर आज अभी डॉक्टर एलएन चौहान वैदिक के अधिकारी, उन्होंने एक लेटर भेजा है जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और जिला शल्य चिकित्सा जिला रुग्णालय नासिक, उसमें मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि तसे सामान्य रुग्णालय मालेगांव येथील गायनेकोलॉजी यूनिट स्त्री रोग विभाग क्या सेवा पूर्वी प्रमाणे यानी जैसे पहले था सुलित करण्यात आलेला आहे। ये तुम्हारे धरने की, तुम्हारे आंदोलन की ये जीत है, मगर ये शुरुआत है। हमारे साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है, सारे सरकारी दफातर के साथ साथ हमारे फंड भी उस हिस्से में चले गए, हमारा शहर खंडर होता जा रहा है। और जो कभी तहरीक नहीं चलाए, जिनका काम ही भ्रष्टाचारी है, शेख आसिफ फैमिली चैंपियन चोर रही, ये हमारी पिच पे आ गए। हाँ मैं ये मानता हूं कि ये कलाकारी तो न्याय साहब के वर्कर में है कि अपनी पिच पे सबको खिलाते, मगर बैटिंग हमको ही आती करना। अरे नकली नोट लेके बैठे थे, नकली नोट, जब इनके वालिद के वक्त सटाना हॉस्पिटल कारपोरेशन का सरकार को दिया गया, जब तो असली नोट लिए थे ना, रोकड़ा असली नोट, देने की टेम असली नोट। अरे तुम अगर वो दवा खाना नहीं देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने ठहराव करके दिया सटाना हॉस्पिटल का, ये तारीख अगर उनको नहीं मालूम है तो कारपोरेशन से ये तारीख मालूम करना चाहिए कि सडाना हॉस्पिटल इनके घराने ने दिया और आज हमको ये परेशानी है। मैं हमेशा बोल रहा हूं ये मिली जोड़ है, दावाड़ी का पानी अगर ठहराव करके आसिफ शेख के वालिद ने दिया, हम उस वक्त से एहतजाज करते रहे, मगर जब प्रशासक राज आया, जब एमएलए की जिम्मेदारी बढ़ गई, कलेक्टर के यहाँ 2-3 मीटिंग में बुलाया गया एग्रीमेंट के ताल्लुक से, एक मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, लगाई इन्होंने और उसके बाद ये मंत्री के मुर्गे आज के मौजूदा एमएलए बने रहे। आज भी यही हाल है, बयान दे देते हैं अखबार में कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, मेरे पास वीडियो भी है ऑडियो भी है कि ये बात सच नहीं है क्या कि सिविल हॉस्पिटल जाने वाला था। अगर समाजवादियों ने आवाज नहीं उठाई होती
तो ये बात नहीं होती कि सिविल हॉस्पिटल का यूनिट चला जाता। ये बात गलत है क्या कि हारून अंसारी हॉस्पिटल में जाकर उनके स्टाफ के साथ मीटिंग लेकर कमिश्नर जैसा आदमी हेल्थ ऑफिसर आहिरे मैडम, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं कि ये कैसे डॉक्टर हैं जो जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ का पेशेंट वहां नहीं भेजना। मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूं कि ये शहर और हमारा दिल कोरोना के वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। पहली लहर चली तो सारे ब्रिज बंद कर दिए गए कि मालेगांव वालों को इस तरफ आने मत दो, बड़ी बीमारी फैला रहे हैं। धूलिए से उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि धूलिए मत आने दो, इनको फौज भेज दो मालेगांव में। अरे ये वही मालेगांव है जिसने दूसरी लहर में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं गुजरात के लोगों का भी इलाज किया, यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज किया, यहाँ के सोशल वर्करों ने, सभी सियासी पार्टियों के लोगों ने। मैं इसमें कोई सियासी पार्टियों की भी मुखालफत नहीं करूंगा, मालेगांव सेंट्रल की तमाम ही सियासी सामाजिक पार्टियों ने अपना दिल खोल दिया कि आओ और हमारे शहर में इलाज करो, और इन्होंने इलाज कराया। गुजरात से लोग आए, हमने पानी का इंतजाम किया, हमने इनके लिए खाने का इंतजाम किया। ये हमारा दिल है, ये हमारी इंसानियत है। और जब वक्त आया तो हमारे ही हॉस्पिटल को ले जाने वाले मंत्री साहब मीटिंग लेकर बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, और उसके बाद इस हद तक मुखालफत, ये इंसानियत है। सारा शहर जानता है कि मालेगांव शहर की सबसे खास बात अगर कुछ है तो वो ये है कि यहाँ का आदमी, यहाँ का हर इंसान बहुत सोशल है। बाप बेटे को नहीं पूछेगा दूसरी जगह, ये हो सकता है, भाई भाई को नहीं पूछेगा, मगर ये मालेगांव ऐसा है जो ना जात देखता है ना धर्म देखता है। अगर कोई को बीमारी है कुछ है, मुझे तो उस वक्त के बड़े पुलिस अधिकारी ने बोला कि जब मैं अपने गांव में गया तो मैं बड़ा हैरान था कोरोना के टाइम कि लोग अपने बाप को छोड़कर चले गए। लेकिन ये मालेगांव कैसा शहर है तुम्हारा कि जो मरीज को लेकर आदमी आ रहा है हॉस्पिटल, उससे अगर पूछो कि ये कौन है तो उसको ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सोशल काम है हमारे शहर का, इसीलिए अल्लाह की रहमत है हमारे शहर पे, इसीलिए अल्लाह की रहमत है। ये तो खंडर इन लोगों ने 25 साल में कर दिया, हाजी और माजी आमदार की जोड़ी ने। नहीं तो जब डेवलपमेंट का तसव्वुर चेंज हुआ, अगर हम होते तो डेवलपमेंट किधर से किधर होता, इधर से उधर होता। मगर मैं जो बोला कि हम निहाल साहब के वक्त भी इंसाफ उस हिस्से के साथ भी करते थे, हमारा ये मान बोलना ही नहीं है कि उस हिस्से में काम नहीं होना चाहिए। अरे बहुत काम करो, अच्छा काम करो, मगर हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, उसको हमसे लो मत, उसको हमसे छीनो मत, हमको वो हक दो। और ये इंसाफ हम हर हाल में आवाम के बीच जाएंगे। आने वाला इलेक्शन है, अगर कोई ये बोलता होगा कि ये इलेक्शन ही स्टैंड है तो क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन स्टैंड? 5 साल में अगर तुमने अच्छा किया है तो वो बताओ, 25 साल में तुमने मिलकर कुछ अच्छा किया है तो वो बताओ। एक बात तो साबित हो गई कि अगर मैं जो बोलता हूं कि ये काम नहीं करते, यही दोनों लोग भी यही बात बोलते हैं कि शहर में मुफ्ती साहब काम नहीं करे, वो बोलते वो काम नहीं करने देते, इसी तरीके की बातचीत होती है। सच बात यह है कि काम इन्होंने किया ही नहीं, एक स्कूल नहीं बनाई मालेगांव सेंट्रल में, ये अलमिया है हमारा। और जो लोग यहाँ पर शिव प्रेमी के नाम से जातिवाद और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए आए थे, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप, हमारा मकसद क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, आप वो तो समझो। अरे आप अगर बोलेंगे तो मैं तो आपके साथ भी चल के फूलहार कर दूंगा, लेकिन तुम बिला वजह एक मामले को टर्न देने का काम मत करो। ये मामला सिर्फ एक इंसाफ का है, और इंसाफ नदी के इस हिस्से के लोगों के लिए है, उसमें रमजानपुरा भी है, मालदा भी है, तमाम ही हिस्से हैं, दरे गांव भी है। मगर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि मामले को टर्न दिया जाए, मगर वो नहीं जानते कि हम भी न्याय साहब के वर्कर हैं, हमको भी सारा काम काज करना आता है,
हम कभी किसी के पास जाकर या किसी को दमदाटी नहीं देते, मगर हमारा अव्वल दिन से एक नारा है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। ये नारा निहाल साहब के वक्त से हमारे साथ है। कोई ये समझता होगा कि मैं जेल से डर जाऊंगा, कि छावनी बन जाएगा पूरा एरिया तो डर जाऊंगा, तो ये सवाल नहीं है। सवाल जब संविधान का है, लोकशाही का है, तो ऐसे वक्त में जो हमको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल हम हर हाल में करेंगे। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं कि जो जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उन सब नाइंसाफियों के साथ हम आज रात में बैठेंगे। हमारे यहाँ सरपरस्त भी अतर हुसैन अशरफी साहब है, रिजवान सर है, अब्दुल बाकी है, जाहिद मेंबर है, हम कुछ जिम्मेदार लोग रात में बैठेंगे और मालेगांव इंसाफ यात्रा का आज रात में ही बैठ के तय करके ऐलान इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मालेगांव के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। और ये मैं तो बहुत हैरान रहता हूँ कि जब कोई सियासी आदमी बोलता है कि वो सियासी तौर पर कर रहे थे, अरे सियासी तौर पर ही कर रहे हैं ना, और सियासी तौर पर क्यों नहीं करेंगे, सियासी तौर पर ही कर रहे हैं। तुमने इस शहर के साथ क्या किया वो लोगों को बताएंगे, और ये बताना हमारा काम है कि तुम इस शहर के साथ क्या कर रहे हो और इस शहर के साथ क्या होना चाहिए था। मैं आज धरने में आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था, ऐसा लगता था कि वो होटल से नदी तक पूरा एक छावनी बनी हुई है। आम लोग बहुत से आकर चले गए, ये भी मुझे फोन भी किए, मगर मैंने भी उनको बोला कि जाओ, हम भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देना चाहते थे। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हालात को समझा और जो कोऑपरेशन हमसे चाहा हमने दिया, जो वो चाहते थे हमने उनसे लिया, मगर जो होना चाहिए था वही हमने किया। अगर कोई बोले ना कि शिवाजी महाराज स्मारक पर हम फूल हार नहीं कर सकते, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो जो नहीं मानने वाली बात थी हमने नहीं मानी, और हम हमेशा से नहीं मानते, ये कोई पहली बात नहीं है। मानने वाली बात 10 मानेंगे, मगर नहीं मानने वाली बात कोई जोर जबरदस्ती से, धौस से और अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा, तो इस शहर में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये नारे के साथ जल्द ही मालेगांव में मालेगांव इंसाफ यात्रा निकालने का जिम्मेदारान ऐलान करेंगे। मैं आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये निडर थे, बहादुर है।